हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 चैप्टर 1 कर रहे थे। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 मेनली बेस्ड है इंटरनेशनल सिस्टम पर। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो रहते हैं उस पर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज 1.3 डिपेंड है। ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है या इंडियन सिस्टम में? तो सबसे बेस्ट तरीका है उसके कॉमास देख लो। ठीक है, अगर हर कॉमा तीन तीन नंबर के गैप पर लगा हुआ है तो वो होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, दो दो नंबर के बाद कॉमा लगे रहते हैं। तो बस एक याद कर लो, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर तीन नंबर के बाद कॉमा लगा रहता है। और कॉमा हमें कहाँ से चेक करना रहता है, पीछे से। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अगर आप चेक करो तो देखो पीछे से तीन तीन नंबर के बाद कॉमा है, इधर पे भी पीछे से तीन नंबर के बाद कॉमास है ना। हर तीन नंबर के गैप पर कॉमास रहते हैं किसमें, इंडियन सिस्टम, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, और इंडियन सिस्टम में दो दो नंबर के बाद भी कॉमा हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले रीड द नंबर एंड राइट द नंबर नेम। इन नंबर को रीड करो और इन नंबर को नंबर नेम भी लिखना है। तो हम किस उसमें लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो एक दो क्वेश्चन अगर आप सीख जाएंगे अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ही इजीली आप फिर क्या कर पाएंगे, इन सारे नंबर के नंबर नेम लिखोगे। बस आपको एक चीज सीखनी है, वो देखो जैसे हमारा ये जो है हमारा सबसे फर्स्ट नंबर है। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट नंबर है, इसमें क्या करो आप सबसे पहले इनके प्लेस वैल्यू से लिख लो, जैसे कि ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है। ठीक है, फिर ये थाउजेंड है, फिर ये 10,000 है ना। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो 10,000 की बात क्या आता है हमारा, 100,000। ठीक है, 100,000, और 100,000 की बात क्या आता है, मिलियन। ठीक है, और मिलियन के बाद क्या आता है, 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। अभी हमारा नंबर यहीं तक है तो बस इतना ही लिखेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वो देखो ये कॉमास के अंदर की वैल्यूज हमें एक साथ पढ़नी रहती है। ठीक है, तो ये पहला नंबर जो होगा वो हमारा होगा क्या, 3 मिलियन। ठीक है, पहला कॉमा हो गया 3 मिलियन। अब ये क्या पढ़ेंगे हम, इसको एक साथ पढ़ेंगे, 455,000, 455,000, और फिर ये वाला नंबर एक साथ पढ़ेंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 613। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखो इसका आंसर जो होगा वो हम लिखेंगे 3 मिलियन, THR 3 मिलियन। ठीक है, 455,000, तो 400 कितना, 55,000, FIFTY 55, FIV 5000, TOUSAND। ठीक है, 455,000, फिर क्या लिखेंगे, 630। तो हम लिखते हैं 600, फिर क्या लिखेंगे, 13। तो 13 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, THIR TEE। तो क्लियर हुआ, सबसे पहले आप क्या करो उनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड करके, फिर उसके बाद उनको ग्रुप में डिवाइड कर लो, और उसके बाद उसके नंबर्स हमें लिखने रहते हैं। चलो अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड लिखेंगे। तो इसके ऊपर ये देखो वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, फिर ये थाउजेंड है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, 10,000 TTH, फिर 100,000 HTH, फिर ये मिलियन, और फिर ये 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे ग्रुप्स। तो ये हमारा है मिलियन का ग्रुप, ये है हमारा 100,000 वाला ग्रुप, और ये है हमारा वंस टेंस हंड्रेड वाला ग्रुप। अब हम नंबर अगर इसको रीड करें तो कैसे पढ़ेंगे, देखो ये वाला जो नंबर है ये हो जाएगा मेरा 31 मिलियन, फिर ये हो जाएगा 831,000, फिर 890। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, देखो आंसर में 31 मिलियन, THIRTY 30 ONE MILLION, है ना, 31 मिलियन, 831,000, EIGST 8
831,000 फिर क्या बोलेंगे 831,890 ठीक है तो 31,831,890 क्लियर। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस करेंगे। चलो हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाले पार्ट में भी अगेन हम वही करेंगे, क्या करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कर लेंगे है ना। चलो करते हैं, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड हो गया, ये थाउजेंड हो गया, ये टेन थाउजेंड हो गया ठीक है। फिर इसके बाद टेन थाउजेंड के बाद क्या आता है हंड्रेड थाउजेंड, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम इंटरनेशनल, फिर मिलियन और फिर टेन मिलियन, टी एन मतलब टेन मिलियन। अब हम इसका पार्ट कर लेते हैं तो बताओ ये क्या हो जाएगा 22 मिलियन, फिर 896,000 ठीक है 332। तो चलो देखते हैं इनके नंबर्स। आंसर 22 मिलियन ठीक है 896,332 तो 332 ओनली हमें लिखना है ना 332। तो ये हो गया हमारा आंसर क्या 22,896,332। इस तरीके से बस क्या करो, सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड लिख लो, फिर उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करना चालू कर लो। अब एक बार और हम डी वाला भी करेंगे, चलो साथ में डी करते हैं। डी वाले पार्ट में अगेन फिर से पहले हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो ये वंस, फिर ये टेंस, फिर ये हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर ये टेन थाउजेंड, फिर ये हंड्रेड थाउजेंड, फिर ये मिलियन और फिर ये लास्ट टेन मिलियन क्लियर। अब ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 70 मिलियन और ये हो जाएगा 707,000 और फिर ये हो जाएगा 315। ये पीछे पीछे वाली वैल्यू लेते हैं हम ठीक है 70 मिलियन 707,315। इसको नंबर को मैं लिखता हूं 70 मिलियन 307,315 ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं ई वाला पार्ट। तो चलो ई वाले पार्ट की ग्रुपिंग करो, सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन और यहाँ पे क्या आ जाएगा हंड्रेड मिलियन ठीक है। अब चलो ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 120 मिलियन, ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 405 ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, आंसर कैसे लिखेंगे 120 मिलियन, तो 120 मिलियन ठीक है 120 मिलियन 3000 ये देखो 3000 है ना, तो हम क्या बोलेंगे 3000 और फिर लास्ट में क्या है 405। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 405 क्लियर। तो ये हो गया हमारा ई पार्ट। अब हम आ जाते हैं एफ वाले पार्ट पे ठीक है। एफ वाले पार्ट में करो, चलो फिर से ग्रुपिंग करो, ट्राई करो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड फिर क्या आ जाएगा मिलियन
10 मिलियन 100 मिलियन। चलो अब इसको लिखो नंबर्स में, पहले अपन ग्रुप कर लेते, ये हो जाएगा 201,887,895। ठीक है, लास्ट वाली 201 मिलियन, फिर क्या हो जाएगा 887,895। इस नंबर को मैं लिख लेता हूं, तो इसका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है, 201,887,895। ठीक है, अब हम करते हैं एफ वाला पार्ट कर लिया, अब हम करते हैं जी वाला पार्ट। तो अगेन जी वाले पार्ट में करो ग्रुपिंग, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। ठीक है, इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, सो 618 क्या हो जाएगा ये मिलियन, 183,000, ठीक है, 356। तो इसको मैं लिख लेता हूँ आंसर, क्या लिखेंगे मैं लिख लेता हूँ, तो इसका मैंने लिख दिया यहाँ पे आंसर, ठीक है, 618,183,356। क्लियर, तो ये हुआ हमारा जी वाला पार्ट। अब हम करेंगे कौन सा पार्ट, एच वाला पार्ट। तो एच वाले पार्ट में फिर से हम ग्रुपिंग करेंगे कैसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, करो ग्रुपिंग करो अब सबसे पहले, तो ये 837,915,000, ठीक है, और 818। तो अब मैं इसको लिख लेता हूं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 837 मिलियन, फिर क्या हो जाएगा 915,000, ठीक है, 818। तो इस तरीके से हुआ हमारा क्वेश्चन वन का।